अनि नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाई? यो इन्डिया आको छ, इन्डियाबाट के भनिरहेछ तपाई, यहीँ 5-6 जना बसिया छ, यहीँ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ, यहीँ पुलिसहरूलाई सोध्छ कहाँबाट आएको कहाँबाट आएको सोध्छ, तपाईँ नेपाल जानुहोस्, नेपाल एकदम राम्रो छ देश, मान्छे सोच्दैन, पुलिसले पनि के गर्दैन, उहाँ जाएर बिग मागेर खानुहोस् जस्तो भनेर मलाई यहीँ पठाइसक्यो। ए तपाईँलाई कोही इन्डियाको एजेन्टहरू कोही सहयोगीले तपाईँलाई नेपाल छिरायो कि आफै आउनुभयो? इन्डियाको मान्छेलाई सहयोग गरेको। अनि तपाईँलाई इन्डियाबाट नेपाल छिराउँदाखेरि बोर्डरमा त जाँच हुन्छ होइन, कसरी तपाईँ छिर्नु? मलाई के गरेको छैन नेपाल बोर्डरमा, जाँचै भएन, के गरेको छैन। तपाईँ दिनकै समयमा आउनुभयो, रातिको बेलामा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? आउँदा बेलुका राति परेको छैन। रोहिङ्गिया मुसलमानहरू बर्मा पनि बर्मामा पनि त्यही त्यस्तै काम गर्यो, त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ बर्मा देशबाट यिनीहरूलाई लखेटेपछि अहिले चाहिँ भारतमा छन्, भारत सरकारले भगाइरहेछन्, खुला रूपमा नेपाल बोर्डर छन्, नेपाल बोर्डरबाट सबै चाहिँ भारत बोर्डर हुँदै गई नेपालमा आउँछन्, किनकि खुला रूपमा नेपालको बोर्डर नै हो कुनै देशको। त्यो ट्रेनमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नागरिकताहरू सोध्ने कहाँ जान खोजेको त्यो सोधेन? यो त्यसरी नेपालकै यो पहिला सुरुवालामा यो नेपालकै इन्डिया थाहै छैन, कि आयो र थाहा भयो कि इन्डियामा मान्छेलाई सोधिरहेको छ कि कन टाउँ यो नेपाल टाउँ त्यो कुरा गर्थ्यो यो घर। उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको? यहाँ बिहाई यहीँ भएको। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विदेशी नागरिक हाम्रो भूमिमा आएको, अनि हामीले ती बाहिरबाट आएकाहरूको चाहिँ केही अभिलेख राख्ने केही त्यस्तो गरेका थियौँ कि? हजुर हजुर नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यो वास्तविकता र यो परिदृश्यले तपाईँलाई हँसाउँछ या रुवाउँछ, डर लाग्छ या साहसी बनाउँछ, देशप्रति आशा जगाउँछ या निराशावादी बनाउँछ, भविष्य उज्यालो लाग्छ या अन्धकार लाग्छ। एउटा सार्वभौम सत्ता देशको यस्तो अवस्था देखेर तपाईँ खुसीले गदगद भइराख्नु भएको छ या भित्रभित्रै जलिरहनु भएको छ? आदरणीय दर्शकवृन्द, यही दुधारको डिलमा बसेर नियाल ल्याऊ भने लाग्छ नेपालमा यो के भइरहेको छ, के हुन खोजिरहेको छ, सबैले सोच्ने बेला कतै ढिलो त भइसकेको छैन? यही दुधारको डिलमा बसेर नियाल्दै एउटा प्रश्न खडा भइसकेको छ, यस्तो वास्तविकतासँगै नेपालमा के हुन खोजिरहेको छ? सबैलाई एक प्रश्न आफूभित्रै गर्न बाध्य बनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई भिडियो रिपोर्ट छोड्दै हामी उज्यालो गर्न चाहन्छौँ, भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनुहोला र यस खबर नेपाल टिभीलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। अब प्रस्तुत छ हाइलाइट पछि भिडियो रिपोर्ट। म्यांमार से तो आए, लेकिन रास्ता कौन सा लिया आपने, किस रास्ते से आए? रास्ता आया सर मणिपुर साइड से आया था। मणिपुर से? तो यहाँ जम्मू में किसने आपको लाया? हम खुद आया था यहाँ, यहाँ से इतनी दूर जी, हम ऐसे पूछ कर आया था यहाँ। कहाँ म्यांमार और कहाँ जम्मू कश्मीर, लेकिन रोहिंग्या मुस्लिम कैसे यहाँ तक पहुँच गए ये सोच कर ही हैरानी हुई। लेकिन जम्मू के नरवाल इलाके में पिछले 8-9 साल से रोहिंग्या मुस्लिम ने इसकी बस्तियां बना ली।
दरअसल कठुआ जिले में जो हीरानगर सब जेल है उसको परिवर्तित कर दिया गया एक होल्डिंग सेंटर के तौर पर, और वहीं पर जो है 155 रोहिंग्या मुसलमानों को रखा गया है इस समय। सरकार का कहना है कि उनके पास जो है कागजात नहीं पाए गए और अवैध तौर पर वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन इसके कारण यहाँ पर जो है काफ़ी रोहिंग्या मुसलमानों में थोड़ा भय पैदा हो गया है। इनका कहना है कि इनको यहाँ पर रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि म्यांमार में जो है हालात काफ़ी ख़राब है। अब इन रोहिंग्या मुस्लिमों को डर है क्योंकि जम्मू में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई, जो अवैध तरीके से भारत में घुसे बिना कागज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए और 7-8 साल से वहां रह रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। आप कहां के असल में रहने वाले? बर्मा का। यहां कब आए थे? 2012 में आया था। अच्छा, अभी जब पुलिस आई थी उसने क्या आपके बेटे को यहाँ से लिया? यहाँ से लाया। यहाँ से लिया? लेची करना के लिए आ जाए ऐसे बोल दिया था, फिर उन्होंने, मैंने सोचा चलो बेटा लेच करना के लिए, फिर ऐसे लेच देना, लेची कार्ड भी है, लेची करना के लिए गया था। कार्ड कौन सा है उनके पास? इन्हों कार्ड है, रिफ्यूजी यूएन वाला रिफ्यूजी कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? रिफ्यूजी कार्ड है। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है इनके हाथ में, ये है UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, उनका ये कार्ड है। ये संयुक्त राष्ट्र की जो है शरणार्थियों के लिए एक एजेंसी है, उन्होंने इनको ये कार्ड इशू किया। ये कार्ड कब आपको इशू किया गया था? जब से हम यहाँ हिंदुस्तान में आए तब से ये कार्ड मिला हमको। ये किसने दिया आपको? यूएन की तरफ से, दिल्ली से मिलते हैं हमको। दिल्ली में मिला आपको? जी। तो आपके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप गए थे वेरिफिकेशन के लिए? हमको नहीं ले गया, जिसको बुलाया है उनको उठा कर ले गया। अच्छा, हमको नहीं बुलाया। किसी को जिसको उठा कर लाया था वो वापस आया? वापस नहीं आया। इन रोहिंग्या मुस्लिमों का कहना है कि वो शरण लेने के लिए भारत आए हैं, उनके पास यूएन का कार्ड भी है, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं, यानी भारत में रहने का वक्त खत्म हो चुका है। ये किसका है? ये भी गुरवाला का है ना? आपने कहा उनके साथ में है कार्ड? आपने कहा ना उनके, इसका डेट खत्म हो गया ना। अच्छा, नया वाला बना? नया वाला बनाया। ये कब का है वैलिड डेट, जरा दिखाओ। 1 मई 2018 से 30 अप्रैल। अच्छा, यानी कि ये इसका जो है एक्सपायर हो गया है कार्ड। हाँ, ये अभी नया बनवाया था। हाँ, नया बनवाया से इनवान का अभी से बना। अच्छा, ये मुझे बता, ये तो आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, ये देखिए आप, ये इस पर लिखा है 3 फरवरी 2020। ये नया जो डेट भरने दिया था वो आया नहीं है, ऐसा ही बोल रहा। अब बिना किसी वैध कागजात के किसी दूसरे देश में रहना और इतनी बड़ी संख्या में आकर बस्तियां बना लेना, बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ती है, और इसीलिए ये बड़ी चिंता है और बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे भी राजनीति हो रही है। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है, हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। उनको कभी कश्मीरी हिंदू जो माइग्रेंट हुए थे उनकी चिंता नहीं है, लेकिन इन रोहिंग्यास के लिए उनकी जवान जल्दी खुल जाती है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस प्रकार के लोगों को इन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और उन पर एक्शन किया ही जाना चाहिए। सिर्फ किसी दूसरे देश से प्रताड़ित होकर आने वाले शरणार्थियों की बात नहीं है, बात तो अवैध तरीके से भारत में बस जाने वालों की है, जिन्हें घुसपैठिया कहना ही सही है, और उसमें भी जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील राज्य जहां हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम बस गए हैं, इनकी वापसी की कार्रवाई कब तक रोकी जा सकती है? सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। हिंदुस्तान बढ़िया अच्छा वाला देश है, इसलिए हम यहाँ थोड़ी खाना लेने के लिए, हम यहाँ रहने के लिए, ये गांव हम दहल करने के लिए आया नहीं है, हम बस थोड़ी देर जान बचाने के लिए, जब भी हमारा देश आजाद हो जाएगा तब तो हम चल से जल बिल्कुल चला जाऊंगा। ये तस्वीरें मानवीय जरूर हैं, इनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन चौंकाने वाला पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या में रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, और अगर इन्हें बाहर नहीं किया गया तो खतरा देश को जरूर होगा, क्योंकि अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया था कि घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, हम लोग कैसे जाऊंगा, बच्चा रास्ते में रोटी मांग कैसे दूंगा हम लोग, ये होता है तकलीफ। बर्मा से भी ऐसे जुलूम का अगर आया हूँ भी कर रहा हम रोहिंग्यों पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई, बस्ती छोड़ अब भागने लगे, दिखाएंगे आपको इस खबर में आखिर कैसे प्रशासन हुआ सख्त, एक्शन में आई सरकार। नमस्कार,
स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासत होती रही, लेकिन अब आखिरकार वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब ये समझ में आ रहा है कि रोहिंग्या इस देश से बाहर जा रहे हैं। जम्मू के रोहिंग्या कैंप्स में अचानक से भागम भाग से बचकर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रहे हैं। आलम यह है कि कैंप के बचे हुए लोगों ने अपने रिश्तेदारों के इंतजाम में बिना कुछ खाए पिए जाकर दो रातें गुजार दी। इस सब की वजह है होल्डिंग सेंटर्स, जहां अब तक 155 से ज्यादा रोहिंग्या रखे जा चुके हैं, और वो अब क्या बोल रहे हैं आप भी सुनिए। टाइम दो, हम लोग खुद निकल जाऊंगा अपना देश में, हमारा जो नेशनलिटी होता है वो देगा, तो अपना इधर रोकने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग निकल जाऊंगा। ऐसे जबरदस्ती ले जा रहा है किसी का माँ बहन, कहाँ से कहाँ दरबदर हो रहा है। हम सुन टाइम तो दोस्त, हमारा पैसा सब कुछ जितना भी है, घर बारी है, सब कुछ ऐसे छोड़कर जाऊंगा, तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, हम लोग कैसे जाऊंगा? बच्चा रास्ते में रोटी मांगा कैसे दूंगा हम लोग? ये होता है तकलीफ। बर्मा से भी ऐसे जुल्म का अगर आया हूँ, इधर भी इस तरह जुल्म कर रहा है हम लोग को, कैसे करूँगा हम लोग? बर्मा से भी हमारे माँ बाप सब कुछ छीन लिया, इधर भी ना पैसा लेने दे रहे ना कुछ लेने दे रहे, इतना जुलूम कर क्यों कर रहे? जहाँ काम किया उधर ही पैसा लाग दिया, घर से एक जुड़ा कपड़ा नहीं ले पा रहा हूँ, इतना जुलूम कर रहा हूँ हम लोग को, क्या कुछ हो रहा है हमारा? कोई बात नहीं, हम लोग को हमारा देश में भेज दो, सबको उठाओ, किसी के माँ को ले जा रहा है, किसी के बच्चा को आधा रास्ते में छोड़ दे रहा है, ये कौन सा तरीका होता है? इंसानियत मर गए क्या दुनिया में? इंसानियत होना चाहिए भाई। आप लोगों को सबको गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम सिख मुसलमान सबके गुजारिश है, कोई बात नहीं अपना देश में भेज दो, लेकिन इंसानियत के तौर पर भेजो, ऐसे जुल्म मत करो। ये होता है, देखो चौदह बच्चे, ये ना खाना दे पा रहा हो ना कुछ दे पा रहा हो, ये सब परिवार ऐसे रोड में आ गया। जम्मू में इतना सपोर्ट मिला था, जम्मू वाला इतना अच्छा बंदा मिल गया था, मगर यहाँ पे सहारा भी मिल गया, अभी अजीब अजीब से यही परेशानी बन गया था। ये तस्वीरें मानवीय जरूर है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू चौंकाने वाला है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या रोहिंग्या मुस्लिम है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू में करीब आधा दर्जन रोहिंग्या बस्तियों में रह रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के दस्तावेजों की जांच के लिए पुलिस लगातार इन बस्तियों में डेरा डाले हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 विदेशी जम्मू और सांबा जिलों में रह रहे हैं, जहां 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है, और अब उनकी आंखों में आंसू भी हैं, वो रो रहे हैं, उनके कंधों पर बोरिया बिस्तर लटका हुआ है। आप समझ सकते हैं आखिरकार किस तरीके से अब तैयारी पूरी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या इस बस्तियों से बाहर हो रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। कैसे मोदी सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों पर एक्शन ले रही है, वो तस्वीर आपके सामने है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान देश से बाहर जाने की अब तैयारी में, वो कह रहे हैं हमें अपने देश भेज दो लेकिन पूरे परिवार के साथ। हालांकि अब सरकार जो है सेंटर्स में रख रही है, बस्तियां जो है वो खाली हो रही हैं, बोरिया बिस्तर उनके कंधों पर है, और मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखना होगा आगे और क्या कुछ होगा। पल पल की अपडेट इस पूरी खबर पर आपको देते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार। बात करेंगे नागरिकता संशोधन बिल की, जिसको लेकर अब भी संग्राम मचा हुआ है। कल लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि बिल के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें, लोकसभा से कल पास हो गया नागरिकता संशोधन बिल, अभी निगाहें राज्यसभा पे है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल इस बिल पर बोलते हुए गृहमंत्री ने साफ किया था कि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, मैं आज फिर से स्पष्ट। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुना आपने। जम्मू में कई रोहिंग्या मुस्लिम अवैध तरीके से कई सालों से रह रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों से बात की हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने, ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास हो गया है, और इस पर गर्म
चर्चा चल रही है। हम इस समय जम्मू के सबसे बड़ी रोहिंग्या बस्ती में हैं और यहाँ पर करीब 70 परिवार पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं और नागरिकता संशोधन विधेयक में ये साफ कहा गया है कि जो रोहिंग्या परिवार यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। क्या है इस पर लोगों की राय? आपका नाम क्या? मेरा नाम अमानुल्ला। अमानुल्ला साहब, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ मैंने 7 साल हो रहे हैं। 7 साल हो गए। आज अब एक बिल पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है जो बाहर से लोग हैं, जो बाहर के देशों से, उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? क्या पता हम लोग को, आप क्यों छोड़ कर आए थे? हम यहाँ जुलम चल रहा है, जुलम की वजह से हमने जान बचाने आए हैं। हाँ, तो अब अगर आपको वापस भेजेंगे आप जाएंगे? जो अपना देश कामयाब हो जाएगा हम जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे? तब तक यहाँ नहीं जाएंगे। कोई जबरदस्ती आपसे की गई थी? जबरदस्ती जगह तो हम मर जाएंगे और क्या करना होता जाएगा, यहाँ से नहीं जाएंगे ना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। रफीक साहब, आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से रह रहे हैं। क्यों आए थे आप बर्मा से? बर्मा का मौन सही नहीं था, इसलिए हमको आना पड़ा जम्मू में। तो अब एक विधेयक पास हुआ है, कानून बना है, जिसमें कहा है कि आप जैसे जो परिवार जो दूसरे देशों से यहाँ, उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा। तो सर, सरकार जो बोलेगा वो तो करना, सरकार से बेकार थोड़ा कर सकता हम लोग। अगर यहाँ से निकलेंगे तो आप ऐसे तो बर्मा, अगर बर्मा में दमन से भेजेगा ना, फिर लोग जाएगा कहाँ? बर्मा का अभी मॉल सो ही नहीं, अभी जो बर्मा के लोग है उसको अभी मार फिर चल रहा, अभी हम लोग वहाँ कैसे भेज सकता? तो कहाँ जाएंगे? सब हमारा हाथ में नहीं है सर, सरकार का हाथ पूरा हाथ में। अच्छा, जहाँ सरकार भेजेगी जाएंगे, पर बर्मा नहीं जाएंगे? बर्मा में नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलाम। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। 7 साल पहले आप जब बर्मा से आए थे, क्या हालात थे वहाँ? वहाँ पर बहुत जुल्मन हो रहा था सर, उसकी वजह से आ गया। तो आप कह रहे हैं कि वापस भेजना, आप जाएंगे वापस? सर, अगर सरकार ने सर जहाँ पर भेजेगा वहीं जाऊँगा, लेकिन वो हम लोग ऐसे थोड़ी ना भेजेगा, कोई मतलब सुविधा करके भेजेगा ना, तब जाऊँगा सर। बर्मा जाएंगे? बर्मा भी जाएंगे सर, सरकार जहाँ मतलब उसने सर जहाँ पर भेजेगा वहाँ पर जाऊँगा। वो तो सर ऐसे तो नहीं भेजेगा हम लोगों को, मतलब पूरा पूरा मतलब हम लोगों को सेफ्टी का मतलब पूरा सेफ्टी दे के भेजेगा ना, उस टाइम जाऊँगे सर। तो अगर सेफ्टी के बिना भेजा तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। तो ये परिवार यहाँ पर है, यहाँ कुछ युवा हमें मिले जो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उन्हें यहाँ से जबरन भेजने की कोशिश की तो वो अव्वल बगैर सुरक्षा के तो नहीं जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मत है कि वो बर्मा बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि अपनी जान बचाने के खातिर वो बर्मा से यहाँ आए थे और यहाँ अपनी सुरक्षा के बगैर वो यहाँ से बर्मा के लिए तो कतई नहीं जाएंगे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ बीपी न्यूज़ जम्मू। जम्मू के रोहिंग्या कैंप्स में अचानक से भागम भाग से बचकर रोहिंग्या मुसलमान कैंप से बोरिया बिस्तर समेटकर भाग रहे हैं। तपाईं के जाना उतैबाट आएको कि यहीं बच्चा भएको? यहाँ बिहाई यहीँ भएको। अनि नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ? यो इन्डिया आएको छ, इन्डियाबाट के भनिरहेछ, तपाईँ यहीँ 5-6 जना बसिया छ, यहीँ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ, यहीँ पुलिसहरूलाई सोध्छ कहाँबाट आएको कहाँबाट आएको सोध्छ, तपाईँ नेपाल जानुहोस्, नेपाल एकदम राम्रो छ देश, मान्छे सोच्दैन, पुलिसले पनि के गर्दैन, उहाँ जाएर बिग मागेर खानु जस्तो भनेर मलाई यही पठाइसक्यो। ए, अनि तपाईँलाई इन्डियाबाट नेपाल छिराउँदाखेरि बोर्डरमा त जाँच हुन्छ होइन, कसरी तपाईँ छिर्नु? मलाई के गरेको छैन नेपाल बोर्डरमा, जाँचै भएन, के गरेको छैन। तपाईँ दिनकै समयमा आउनुभयो, रातिको बेलामा आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? आउँदा बेलुका, बेलुका राति परेको छैन। तपाईँलाई कोही इन्डियाको एजेन्टहरू कोही सहयोगीले तपाईँलाई नेपाल छिरायो कि आफै आउनुभयो? इन्डियाको मान्छेलाई सहयोग गरेको। कुन नाकाबाट आउनुभएको तपाईँ नेपाल? मलाई थाहा भएन। तपाईँ तिनैजना उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको? यहाँ बिहाई यहीँ भएको। भारतमा चाहिँ एनआरसी सिएबी लागू भइसकेका छन् अनि भोलि गएर अत्यधिक रूपमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्नेछन् अनि केही चाहिँ प्रवेश गरिसकेका पनि छन्। त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गराउनुको चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ नेपालको चाहिँ मुस्लिम सङ्गठनहरूले खेलेका छन्। त्यसलाई काठमाडौँमा केही रूपमा बसाइदिएका छन् रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूलाई।
अब कई दिन में एनआरसी लागू भैसके भारत में लाखों को मात्रा में चाहे रोहिंग्या मुसलमान आने यहीं आए पी हमीर अत्यधिक नहीं टेन्सन बढ़ाईदिने भोलि गए चाहे यहीं चाहे आईएसआई को काम कर आईएसआई को एजेंट बन भोलि गए अभी बर्मा में तस्त काम गए तिन्ला रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में बर्मा में तस्त काम गयो त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ बर्मा देशबाट यिनीहरूलाई लखेट्यो। लखेटेपछि अहिले चाहिँ भारतमा छन्, भारत सरकारले भगाइरहेछन्, खुला रूपमा नेपाल बोर्डर छन्, नेपाल बोर्डरबाट सबै चाहिँ भारत बोर्डर पुरै पुरै नेपालमा आउँछन्, किनकि खुला रूपमा नेपालको बोर्डर नै हो, कुनै देशको अरूको छैन। भोलि गएर हामीहरूलाई अत्यधिक नै टेन्सन हुनेछन्। हाम्रोलाई बस्न दियो, हाम्रोलाई एकदम माया लाग्छ कि निकाल्ने कुरा गरिरहेछ कि त्यही भएर उहाँ इन्डिया मलाई राम्रो लाग्दैन। म्यानमारबाट बङ्गलादेशको बोर्डर हुँदै इन्डिया अनि नेपाल आउनुभयो, तपाईँहरूको टिममा तपाईँको टोलीमा कतिजना हुनुहुन्थ्यो? हाम्रो त्यस्तै होइन कि एकजना दुईजना त्यसरी त्यसरी यसै पुरा टिम आएको त्यस्तै आएको छैन, दुईजना एकजना आउँदा कतिजना आउनुभएको थियो? मेरो हाम्रो त तिनजना मात्र छ। केमा आउनुभयो, हिँडेर अथवा ट्रेनमा? के बसमा त्यसै गरेर आएको थियो। अरू भाषा के जानेको छ तिमीले? रोहिङ्ग्या भाषा। रोहिङ्ग्या भाषा? ए रोहिङ्ग्या भाषामा भनिदेऊ त, म एक कक्षामा पढ्छु भन्नु पऱ्यो भने के भन्छ? एक कक्षामा पढिदिए। यहाँ पनि रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको बस्ती छ र यहाँ टिनको छाप्राहरू, टिनले नै बारेको, टिनले नै छापेको छाप्राहरूमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुभएको छ। बालबालिकाहरू चाहिँ यहाँको त्यो आँगनको चौरमा खेलिरहेका छन् र यहाँ पनि अलिकति यो चाहिँ सम्म क्षेत्रमा, अलिक समथर क्षेत्रमा यहाँको बस्ती देखिन्छ। सुरुमा कति, 15 चाहिँ कति घर थियो यहाँ? सुरुमा 20-25 घर छ, अहिले त बढेको छ अलिकति। अहिले कति जति छ? अहिले त मान्छे त धेरै छ यहीँ। यहाँ घर चाहिँ कति छ लगभग? घर लगभग घर 40-45 त त्यही छ, फ्यामिली चाहिँ धेरै छ। फेरि 40-45 घरमा फ्यामिली परिवार चाहिँ कति जति छ? एउटा घरमा 3 परिवार, 4 परिवार, 2 परिवार, यस्तो यस्तो बस्छ। यस्तो सानो टिनको झुपडीमा एउटै घरभित्र 3-4 परिवार पनि? 3 परिवार, 4 परिवार, यस्तो यस्तो। 3-4 परिवारमा एउटा परिवारमा 5-6 त हुन्छ? 5-6, 7-2, 1 यस्तो यस्तो। ए बङ्गलादेशको बोर्डर छिरेर अनि इन्डिया घुमाएर अनि नेपाल आउनुभएको 13 सालमा टोलीमा चाहिँ कतिजनाको सङ्ख्या थियो? सबै गर्दा 16 छ। 16 तपाईँको 7 अरूको? खानापिना लुगाफाटा सहित लाखौँ भारतीय मुस्लिम नेपाल प्रवेश गर्दै आखिर भारत हुँदै यी नयाँ मुस्लिम नेपाल किन प्रवेश गर्दैछन्? यिनीहरू नेपाल छिर्नुको उद्देश्य के हो? नेपालको सिम कार्ड लिनलाई त नागरिकताहरू चाहिन्छ, के के कसरी प्राप्त गर्नु? एउटा कार्ड ल्याएको छ नि, यो कार्डबाट सिम कार्ड निकाल्न सक्छ। युएनएससिआरको कार्डले तपाईँहरूले सिम कार्ड निकाल्न पाउनुहुन्छ? पाउँछ। एनसेल कार्ड? अनि तपाईँहरू बजार गर्नु पऱ्यो, किनमेल गर्नु पऱ्यो भने निस्किने एरिया यही हो होइन? हजुर हजुर। अनि रासन पानी सबै तपाईँहरू किन्नै पऱ्यो होइन? त्यहाँ त केही उब्जाउ हुँदैन? हजुर। यहाँबाट यो किन्न पर्छ, उहाँ बालुवाले किन्न पर्छ, यस्तो केही छैन पर्छ। त्यहाँ आएर उधारी लिएर कति छ, कति छ, कम से कम मेरो 60-70 छ होला ऋण छ। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विदेशी नागरिक हाम्रो भूमिमा आएको, अनि हामीले ती बाहिरबाट आएकाहरूको चाहिँ केही अभिलेख राख्ने केही त्यस्तो गरेका थियौँ कि? कुनै पनि छैन नेपालमा ओपन बोर्डर, हेर्नुहोस् हजुर, ओपन बोर्डर सिस्टम छ, कहिले के छ र बाहिर लिएर आउनेको होला? हजुर। बाहिर लिएर आउनेको के होला? इन्डियाको बाटो हुँदै आउनुभयो है? हजुर। इन्डियामा तपाईँहरूलाई बस्न मौका दिएन? इन्डियामा त म काम ऊ त म थाहै छैन, सिधै बङ्गलादेशबाट इन्डिया आएको, इन्डियाबाट डार्की आएको। कसरी कसरी आउनुभयो बताइदिनुहोस् त? कसरी भयो, इन्डिया बोर्डर क्रस गरियो र नेपाल बोर्डर क्रस गरियो नेपालमा। तपाईँहरू म्यानमारबाट, म्यानमारको कुन ठाउँ हो? म्यानमार अर्कान
आरकान बाडा आरकान बाडा तपाईहरु हिँड्दाखेरि नेपालमै गएर बस्छु भनेर हिँड्नु हो कि आफ्नो देशमा लडाई भयो कि वहाँ बस्नै दिँदैन हाम्रोलाई हो हाम्रो नागरिक पनि छिन लिएको छ उता हाम्रो नागरिक दिँदैन त्यहाँ आएर बसेको पुरा टिम आएको त्यस्तै आएको छैन दुईजना कतिजना आउनुभएको थियो मेरो त तिनजना मात्र छ केमा आउनुभयो हिँडेर अथवा ट्रेनमा ट्रेनमा बसमा त्यसरी गरेर हजुर त्यो ट्रेनमा आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नागरिकताहरू सोध्ने कहाँ जान खोजेको त्यो सोधेन ए त्यसरी नेपाल नेपालकै यो पहिला सुरुवालामा यो नेपालकै इन्डिया त आइ छैन कि आयो र थाहा भयो कि इन्डियामा मान्छेलाई सोधिरहेको कि कन टाउन यो नेपाल टाउन त्यो कुरा यो घर तपाईँले आफ्नै पैसा लगानी गर्नुभयो यसमा आफ्नो पैसा लगाएर भन्नु लगायो तपाईँको यहाँ पैसा यसमा लगभग 30-45 हजार तक लगायो 30-45 हजार तपाईँ तिनैजना उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको यहाँ बिहे यहीँ भएको बिहे भएको उहीँ रोहिङ्ग्याकै हजुर रोहिङ्ग्या कम्युनिटी अन्डर भयो ए नेपालीसँगै होइन आफ्नो आफ्नो यहीँ आएर उहाँलाई भेटेको तपाईँको श्रीमतीलाई हजुर अनि यो टोइलेटको चाहिँ ढल चाहिँ कता जान्छ त उता तल ढलमा अहिले पगाएको छैन अहिले नालीमा परिरहेछ कि अहिले अहिले खुल्ला खुल्लामा छ अनि नेपाल चाहिँ कसरी आउनुभयो तपाईँ यो इन्डिया आएको छ इन्डियाबाट के भनिरहेछ तपाईँ यहीँ 5-6 जना बसिया छ यहीँ बस्नेलाई गाह्रो हुन्छ यहीँ पुलिसहरूलाई सोध्छ कहाँबाट आएको कहाँबाट आएको सोध्छ तपाईँ नेपाल जानुहोस् नेपाल एकदम राम्रो छ देश मान्छे सोच्दैन पुलिसले पनि के गर्दैन उहाँ जाएर बिग मागेर खानुहोस् जस्तो भनेर मलाई यहीँ पठाइसक्यो ए अनि तपाईँलाई इन्डियाबाट नेपाल छिराउँदाखेरि बोर्डरमा त जाँच हुन्छ होइन कसरी तपाईँ छिर्नु मलाई के गरेको छैन नेपाल बोर्डरमा जाँचै भएन के गरेको छैन तपाईँ दिनकै समयमा आउनुभयो रातिको बेलामा आउनुभयो कसरी आउनुभयो आउँदा बेलुका 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 राति परेको छैन तपाईँलाई इन्डियाको एजेन्टहरू कोही सहयोगीले तपाईँलाई नेपाल छिरायो कि आफै आउनुभयो इन्डियाको मान्छेलाई सहयोग गरेको कुन नाकाबाट आउनुभएको तपाईँ नेपाल मलाई थाहा भएन तपाईँ तिनैजना उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको यहाँ बिहे यहीँ भएको तपाईँ तिनैजना उतैबाट आएको कि यहीँ बच्चा भएको यहाँ बिहे यहीँ भएको ठ्याक्क सर तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरको मनमा के उब्जेको छ सर अब यो त कस्तो भयो भने यी जस्तो के अरे रोहिङ्गा त्यहाँको आन्तरिक द्वन्द्वमा देश छोड्न उनीहरू जीवन रक्षाको लागि देश छोड्न उनीहरू के नै बाध्य भए र त्यसपछि उनीहरू पहिलो आए के भने बङ्गालदेशमा आए बङ्गालदेशबाट नेपाल आए र बङ्गालदेश र नेपालको बिचमा त पासपोर्ट सिस्टम छ त्यति प्रत्यक्ष रूपमा बङ्गालदेशबाट नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन नेपालमा प्रवेश गर्ने भनेको त के हो भने भारत हुँदै प्रवेश गर्ने हो र अब यहाँ भाग्य देखियो त भने यो जुन रोहिङ्गा आएर भारतमा जुन समस्याहरू सिर्जना भयो जस्तो के अरे पहिला भुटानीहरू पहिला कहाँ गएको थिए भारत गएको थिए नि त अनि ती भारतीय भारतमा गएकोमा उसले कहाँ पठाइदियो भने नेपालमा पठाइदियो त्यस्तै गरेर अहिले रोहिङ्गाहरू जुन भारतमा के नै आएका छन् उनीहरूलाई के भनेदेखि अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा जान के नै पठाइदिने काम के भने भारतले गरिरहेछ राशन कार्ड दियो त्यही राशन कार्डको आधारमा को कहाँको भन्यो भने भारतीय हो भन्दै भइगयो त्यही के भन्दै राशन कार्डको आधारमा कहाँ भन्दा यही कुनै राशन कार्ड हामी भारतीय भन्दा त भइगयो किन नेपाल भारतमा त दुई देशमा पासपोर्ट सिस्टम त छैन भएको हुनाले अब तपाईँ अघि नै सुनिहाल्नु भने एउटा प्रहरीले नै त्यो के भने रोहिङ्गाले नै भनेको नेपाल जानको लागि तिमीलाई कसरी गयौ त भन्दाखेरि भारतीय प्रहरीहरूले तिमी नेपालमा राम्रो छ जाऊ भन्यो भने यसले के देखाउँछ भने भारतको जो समस्या हो त्यो समस्या रोहिङ्गा समस्या अब नेपालमाथि थुपर्दैछ है भावी दिनहरूमा झन् केसको यो के भने जटिल समस्या बन्दैछ तर हाम्रो सरकार भने के गरेछ भने यसलाई कुनै मतलबै छैन अनि मैले अगाडि नै उदाहरण दिएँ विदेशी देशको नागरिकहरू अर्को देशमा के भनेदेखि गएर के भनेदेखि बसो भने त्यसले कति समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा त अघि नै मैले के नै अनुरोध गर्ने गरिसकेँ होइन यो यी सबै स्थिति भएको हुनाले यो त निकै के नै गम्भीर विषय हो भारत त्यसरी के नै सिरियस लिएको छ हामीलाई कुनै त्यसको विषय कुनै मतलबै छैन छानी अब या त कस्तो भयो भने सरकार छ कि छैन देशको राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको आफ्नो देशको नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने उनीहरूलाई उनीहरूको के भने जीव धन सबैको सुरक्षा गर्ने के भनेदेखि के हो राज्यले हुन् त्यसैको लागि त राज्य खडा भएको अनि बाह्यबाट के अरे हुने घुसपेटबाट जो असुरक्षा पैदा हुन्छ
रोजगारीमा होला, आर्थिक गतिविधिमा होला, राष्ट्रिय सुरक्षामा होला, त्यसमा त के भने राज्यले के लिनुपर्छ, या त राज्यको त कुनै के भनेदेखि अर्थै देखिएन, उनीहरू भनिरहेछन् भारतीय प्रहरीले नेपाल पठाउने अनि नेपालको प्रहरीले किन चेक नगर्ने अनि त्यो ल्याउँदाखेरि खर्च भएको भने अब यहाँ भन्दाखेरि के देखियो भने भारतीय दलालद्वारा किन पठाइएको भने भनिरहेका छन्। अब त्यो भारतीय रोहिङ्गाहरूलाई नेपाल पठाउने भारतीय के भनेदेखि दलालहरू, भारतीय प्रहरीहरू अनि नेपालको प्रहरी प्रशासन पनि त्यसमा मिलेको होला। होइन भने त अहिलेसम्म के भनेदेखि कहीँ कहीँ खोजबिन गरेको स्थिति छैन। अनि त्यसपछि केन्द्रीय स्तरमा भारतले जुन आफ्नो समस्या नेपालको टाउकोमा फ्याँकिदिएको छ त्यो चुप लाग्नु भयो, भारत रिसाउँछ भनेर यहाँका के भने राजनीतिक तहको सुरक्षा निकायहरू नबोलेको होला, कागजै चेक गर्दैन है। चेक गरेको त कसरी हुन्थ्यो त, तपाईँलाई कुनै एउटा के भने अर्को देशको नागरिक अर्को देशमा गएर बस्नको लागि त त्यसका त के अरे वैधानिक आधार हुनुपर्छ। फेरि त्यसरी के अरे बस्नको लागि पनि जहीँ पा त्यहीँ के भने त्यसरी के अरे असुरक्षित तरिकाले बस्न पाइँदैन, निश्चित क्षेत्र तोकिएको हुन्छ, त्यसका मापदण्ड हुन्छ, निगरानी गरिएको हुन्छ, यो त केही पनि देखेन त यहाँ त। बडो सर, जसरी भारतीयहरू नेपालमा चाहिँ एकदम फ्री भएर हिँड्छ होइन, उनीहरूलाई न कागज हेर्छ न कुनै कुरा पनि हेर्दैन यो देशमा, भनेपछि अब रोहिङ्गाहरूको अनुहार र भारतीयको अनुहार सेम भइहाल्यो, भनेपछि अब रोहिङ्गा हो कि भारतीय हो त्यो पनि थाहा भएन, छोड्नु छैन, भनेपछि अब भारतीयहरूलाई पनि यो देशमा चाहिँ पासपोर्ट र चाहिँ एउटा पेपर कागज सिस्टम भयो भने होइन। सबभन्दा जस्तो हेर्ने एउटा चाहिँ समस्या खास गरेर के हो भने जस्तो भारत र नेपालको बिचमा के भनेदेखि पासपोर्ट सिस्टम छैन, एक अर्काको देशमा जान सक्ने अवस्था छ, यसले गर्दाखेरि त भारतमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ, नेपालमा पनि के भने समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यस कारण नेपाल भारतको के भने बिचको के भने अहिले जुन एक खुला रूपले एक अर्काको देशमा जाने खुला सिमानाले गर्दाखेरि त दुइटै देशको सुरक्षामा थ्रेट प्रयोग भइरहेको छ नि। अब यहीँ रोहिङ्गा अहिले त भारतले नेपालतिर के अरे पठाइदिएर उसलाई केही हल्को होला, तर नेपालको के अरे सिमाना त खुला छ, भोलि के भने समस्या हुँदाखेरि त उनीहरूले के अरे भारतकोमा पनि त त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ नेपालमा बसेर, अझ उनीहरूले त के अरे भाजपाले भाजपा सरकारले त मुस्लिमको के भनेदेखि लेबल लगाएर त्यो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ उसले, त्यसैले हेरिरहेको छ नि त। भने भोलि गएर उनीहरू त्यहाँबाट निकालेपछि त बदलाको भावमा के अरे नेपाल उनीहरू बसे भने भोलि त्यो त के अरे भारतको लागि पनि खतरा हुन्छ नि, हुँदैन। त्यस कारण यो कुरा भनेको के हो भने यो समस्या चाहिँ समाधान गर्ने चाहिँ खास गरेर भारत भयो अनि त्यसपछि के भने बङ्गलादेश भयो अनि त्यसपछि बर्मा हो, उनीहरूको आफ्नो के भनेदेखि कुराकानी गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय लबिङहरू गरेर गर्नुपर्ने, तर उनीहरूले के भने नेपालमा के भने जानको लागि प्रोत्साहित गर्नु चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ धेरै अनुदार विवादित नीति अवलम्बन गर्नु हो। भनेपछि अब अहिलेको अध्यादेश त्यही देखिहाल्नु, अहिलेको नागरिक अध्यादेशलाई हेर्नुहोस् न, अब यो उनीहरू अहिले नै के भनिरहेका छन् कयौँ दिनदेखि आइरहेछन्, अब उनीहरूलाई त के भने नागरिकता जन्मको आधारमा नागरिकता के अरे दिने भने त भोलि त नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हो, नागरिकता पनि दाबी गर्छन्, बिहा गरिरहेको छ यही जसरी अब अहिले भारतीयहरू नै अहिले के भने तराई मधेसमा उनीहरूको के अरे प्रभुत्व भइसक्यो, केन्द्रीय राजनीतिमै उनीहरू प्रभुत्व के अरे बसाउन थालिसके भने अब भोलि त उनीहरूको पनि त पहुँच नहुने कुरा त भएन। त्यस कारण नेपाल त एउटा के भनेदेखि बडो खतरापूर्ण स्थितिबाट के छ भने कि राज्य सत्तामा बस्ने जिम्मेवार मान्छेहरू गैर जिम्मेवार हुने र भारतको नेपालमा के भने आफ्नो देशमा आएका शरणार्थी हुन् अथवा आफ्नो के भनेदेखि नागरिक हुन्, नेपालमा के भने घुसपेट गराउने जो भारतको नेपाल विरोधी अनुदारवादी नीति छ त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै समस्या उत्पन्न छ। हाम्रो सरकार के हो त त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केही पनि तयार नहुने, यी सबैले गर्दाखेरि यो हेर्दा अहिले रोहिङ्गाको सङ्ख्या थोरै मात्रामा होला, यो झन्झन बढ्दै जान्छ। अहिले तपाईँलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि के देखियो भने कि भारतमा जति रोहिङ्गाहरू आएको छ त्यो रोहिङ्गाहरू क्रमशः तिनीहरू नेपालमा आउने के भने सम्भावना बढेर गएको छ। किन बढेर गएको छ भने नेपालमा त कुनै के भनेदेखि निगरानी छैन, व्यवस्था छैन, अनि उनीहरू के अरेमा हामी भारतीय हौँ भने भनेदेखि त्यो उनीहरू नेपालमा प्रवेश गर्न सहजता छ। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने धेरै के भनेदेखि बङ्गालदेशीहरू भारतीय हौँ भनेर नेपालमा बसेको छ,
नेपालको के भनेदेखि नागरिकता लिने अनि त्यसपछि वैदेशिक रोजगार जाने पासपोर्ट बनाउने रोजगार जाने स्थिति छ भएको हुनाले अब त पछिल्लो अरू भएन तपाईँले अहिले तराई मधेसको जनसङ्ख्यामा रैथाने मधेसी समुदायहरू अल्मत पर्दैको बहुमत चाहिँ भारतबाट के अरे आएकाहरूको के अरे बहुमत के अरे हुन लागेको तराई मधेसको राजनीतिमा उनीहरू के अरे निर्णायक हुँदै गएको अब हुँदाहुँदा केन्द्रीय राजनीतिमा नै उनीहरू निर्णायक के अरे हुँदै आएको स्थिति हुँदाखेरि त नेपालको त सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रता नै के हो भने एउटा के अरे क्रमशः के अरे सङ्कटमा पर्दै गएको स्थिति देखिन्छ भनेपछि सर यो देशमा शरणार्थी क्याम्प जस्तै भइरहेको छ यो नेपाल र चाहिँ रोहिङ्गाहरू र त्यसपछि बिहारीहरू नेपालमा आइरहेको र तिब्बती लगायतका विभिन्न देशका नेपाली विभिन्न देशका मानिसहरू नेपालमा आएर यसरी चाहिँ इलिगल रूपमा बस्दा फेरि र चेक जाँच नहुँदा फेरि यो देशमा चाहिँ जो जसरी पनि हिँड्नु पर्ने भइरहेको अवस्था र रोहिङ्गाहरूलाई भारतमा छाने छाने भेरिफिकेसन गरिरहेको अवस्था र रोहिङ्गा शरण एउटा चाहिँ क्याम्प छोडेर अरू अरू ठाउँमा जान नदिने स्टाइलले चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको अवस्थामा यहाँ नेपालमा रोहिङ्गाहरू खुल्लेआम हिँडिरहेको र कुनै कागजपत्र छैन र अपराधको घटना भइरहेको होला त्यसपछि कामदार पनि काम पनि खुल्ला रूपमा गरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो देश अत्यन्तै खतरनाक अत्यन्तै खतरायुक्त अहिले परिवेशमा छ भन्ने कुरा पनि हो सर हो यो त के नेपालको सुरक्षा एकदम के भने गम्भीर हुँदै गएको स्थितिको नै छ अहिले भनेपछि अब यसमा हाम्रो नेपालमा अलिकति राम्रो सरकार भएन भने यो देश छिटो नै सकिने अब तपाईँलाई अहिले नै भन्नुहोस् न कतिसम्म रहेछ भने जस्तो अहिले सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर यो 63 सालमा ऐन ल्यायो त्यो 63 सालको ऐनको आधारमा के हो त भनेदेखि नागरिकता के भनेदेखि दियो त्यो नागरिकता लिन भारतीयहरू पनि भए तिनीहरू के भनेदेखि बङ्गालदेशीहरू पनि भए भुटानिजहरू पनि भए तिब्बतीहरू पनि भए नि त धेरैले के भनेदेखि तिनीहरूले त्यसरी के भने लिए अब अहिले के भनिरहेको छ भने त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि के भने वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा आएको छ अब कतिसम्म उनीहरूको दबाब र प्रभाव रहेछ भन्ने त प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउनको लागि नै के जारी गर्नु पऱ्यो महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले शर्त राखे नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु पऱ्यो भनेर त्यो सत्ता जोगाउनको लागि केपी शर्मा ओलीलाई के गर्नु पऱ्यो अध्यादेश जारी गर्नु पऱ्यो नि अब अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ कि त्यो यति राष्ट्रियताको हिसाबले यति सिरियस र गम्भीर विषय छ तर तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ के भने एक थरी के भनेदेखि राजनीतिज्ञ भन्ने एक थरी विशेषज्ञ भन्ने अब त्यो के भने यो अध्यादेश जारी गरेको ठिक हो भनेर के भनेदेखि पुष्टि गर्नको लागि बालवटारले पनि खर्च गरेको छ उनीहरूको जुठो पुरोमा नि यो ल्याएको एकदम ठिक छ भनेर उनीहरू वकालत गरिरहेका छन् एक थरी के भनेदेखि चाहिँ यो लैनचोरवाला पनि कोख दाना पानीमा पनि अहिले के भने मिडियामा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि पुरै के भनेदेखि अब हाम्रो मिडिया नि कस्तो होला मिडियाले त भन्दिनँ तर के हो भने जो खुलै रूपलाई के भने यो अध्यादेश ल्याएको ठिक छ भनेर अहिले तपाईँ बहस चलिरहेको छैन तिरका दिनै पछि तिर तपाईँ त्यो भनाइ देख्नुहुन्छ कि हुन्न त्यस कारण के हो भने यो बहसको विषय हुनु पर्थ्यो मिडिया होइन होइन बहसको होइन मिडियामा त्यसरी राष्ट्रघाती कुराहरूलाई के भने एउटा गबेल शैलीले प्रचार गर्ने यो के भनेदेखि जुन ऊ ल्याएको छ अध्यादेश ल्याएको त ठिक ल्याएको छ यो नागरिकता त दिनै पऱ्यो नि यिनीहरूलाई भोलि पैसा भयो भने रोहिङ्गालाई नि नागरिकता दिनु पऱ्यो भन्छ नि यिनीहरूले भन्दैन नि त्यस कारण के भने एकातिर यहाँको कुनै एक थरी बिकाऊ के भनेदेखि बुद्धिजीवीहरू पैसाको लागि जे पनि गर्न तयार हुने यहाँको के भनेदेखि केही भ्रष्ट के भनेदेखि यहाँको कर्मचारी तन्त्र सत्ता र पदको लागि राष्ट्रलाई जति पनि अहित पुर्याउने काम गर्न सक्ने पतित पाखण्डी राजनीति नेतृत्व गर्दाखेरि त हामीले अहिले देख्दाखेरि कुनै त्यत्रो खास देखेको छैन तर के भने निकट भविष्यमै नेपालले त यस्तो आन्तरिक सुरक्षाकादेखि लिएर धेरै सङ्कटहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू के भनेदेखि आउने परिदृश्य त देखिरहेका छन् नि हस् सर यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदा के छ भने छोड गर्नु ठिक छ अब पछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ मूल कुरा त के हो भने
अहिले हाम्रो के भने जुन राजनीतिक नेतृत्व जुन तह छ हाम्रा के भनेदेखि राज्यका के भनेदेखि जिम्मेवार निकायहरू यस्तो संवेदनशील विषयमा के जुन संवेदनशील हुन सकेका छैनन्। त्यस कारण यो बेला चाहिँ जनताहरूले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एउटा खबरदारी गर्नुपर्छ, सजगता अप्नाउनु पर्छ। त्यो गर्नको लागि म सबैलाई के भनेदेखि म अनुरोध गर्छु। हस् सर, धन्यवाद।